हेलो माधो मित्रों, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हम सफर भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली आज इस साल का मेरा पहला बोलबम सॉन्ग रिलीज हुआ है माँ शारदे एंटरटेनमेंट से। गाना का नाम है बसहा गड़थैया नाचे। अनिल उजाला जी, प्रणाम भाई, संतोष रेणु जी, प्रणाम भाई आपको भी। और दीपक कुर्मी जी, जय हो, लव यू, लव यू दीपक जी। समूचे कुर्मी समाज को मेरा प्रणाम। ये जो सॉन्ग है, आप उसमें मैंने गड़थैया वर्ड का मैंने यूज किया है, बसहा गड़थैया नाचे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे नाजायज औलाद के टीम के लोग हैं, वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि गड़थैया आपने यूज किया है, गड़थैया गलत है, गड़थैया अश्लील है। तो मैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि गड़थैया शायद तुम्हारे लिए अश्लील होगा। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप किस संस्कार में और किस दुनिया में तुमको पाले पोसे हैं। जा कर के पूछो, जाकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछो कि गड़थैया नाच किसको बोलते हैं। गड़थैया नाच आज की कोई नई शब्द नहीं है। गड़थैया जो डांस है, ये बहुत पुरानी शब्द है और बहुत पुरानी ये पद्धति है। ये हम लोगों को वेदों और शास्त्रों से ही मिला है। गड़थैया जो नाच का जो शब्द है, ये कोई नया शब्द संतोष रेणु आज आकर के नहीं उठाया है। जो इसके लिए तुम बोल रहे हो कि ये सॉन्ग अश्लील है और तुमको तुम्हारी संस्कार में ही अश्लीलता है, तो तुमको अश्लीलता तुमको नज़र नहीं आएगा। तुम्हारी जो पालन पोषण हुई है, तुम्हारी जो पैदाइश हुई है, वही अश्लीलता का नतीजा है। तो तुमको तो हर चीज़ तुमको अश्लील ही नज़र आएगा ना। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे नजायज औलाद के ग्रुप के लोग हो, मैं उनसे मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप अश्लीलता अपने दिमाग में रखो, वहीं तक सीमित है। आप जो कर रहे हो ये भोजपुरी के लिए बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। भोजपुरी के लिए ये जो अश्लीलता का जो आपने ठेका उठाया है ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। अश्लीलता का विरोध करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अश्लीलता के विरोध करने के बहाने जो तुम कर रहे हो, इसका परिणाम बहुत बहुत भीषण होगा और इसका परिणाम बहुत गलत होगा तुम लोगों के लिए। तुम जो एक जो ठेकेदार बन गए हो ना तुम लोग, ये बहुत परिणाम इसका गलत होगा, तुम जान जाना। और मैं स्पष्ट में बोल रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे गलत है, जहाँ पे किसी भी गीत संगीत में अगर जहाँ पे गलत गाना है उसका विरोध करो। मैं इसके लिए किसी को मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंटरटेनमेंट को तुम रोक दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगे वही आदमी गाएगा, ठीक है? तो मैं चेता दे रहा हूँ, मैं स्पष्ट में बोल दे रहा हूँ कि मेरे पीछे और मेरे गानों के पीछे पड़ना बंद करो बेटा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या गाना है और मुझे क्या नहीं गाना है, और मेरे जो पब्लिक है, मेरे वो भगवान हैं, मैं उनके अनुसार मैं चलता हूँ। हमारे पब्लिक को जो गाना पसंद नहीं पड़ता है, मैं नहीं गाता हूँ। जो हमारे पब्लिक को पसंद पड़ता है, हम कभी भी जो गाना गाते हैं ना, तो गाना गाने के बाद हम उस लिंक पे कमेंट में लिखते हैं कि आप क्या आपको गाना पसंद पड़ा। अगर पसंद पड़ा तो आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप जिस टाइप का गाना आप पसंद करते हैं आप वैसा कमेंट कीजिए, मैं वैसा ही गाना गाऊंगा।
तो तुम जो मेरा नाजायज औलाद हो ना, और तुम्हारे जो ग्रुप है ना, अपने ग्रुप को तुम बोल दो कि मेरे पीछे मत पड़े, मेरे पीछे मत पड़े, और नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये चलते कि गाना कोई 5 मिनट का चीज़ नहीं होता है। तुम कौन कहने वाले होते हो? तुम साबित करोगे कि गाना सही है कि गलत है? गाना लिखने वाले क्या मूर्ख हो गए? गाना लिखे हैं जिसने संगीत दिया है, जिस कंपनी ने रिलीज किया, क्या कंपनी मालिक भी मूर्ख हो गया? क्या चूतिया कहेंगे? क्या तुम ही सबसे वो जिसे होशियार हो? तो तुम्हारे कुछ भी होगा, तुम्हारे गाना को दबाने से क्या हो जाएगा? बहुत होगा तो व्यू नहीं उठेगा। क्या तुम हमारी मेंटलिटी को तुम चेंज कर दोगे? तुम हमारी मेंटलिटी को तुम चेंज कर दोगे? और जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जो ऑडियंस हैं, क्या हमारे ऑडियंस को तुम हमें दूर कर दोगे? तुम कोशिश तुम करो बेटा, तुम कितना तक तुम दबाते हो, तुम कोशिश तुम करो। जितनी तुम्हारी औकात है ना दबाने की, तुम दबाओ। हमारी ऑडियंस जब तक मजबूत है ना, तुम कुछ नहीं मेरा उखाड़ पाओगे। बहुत होगा तो ये गाना, दो गाना, 10 गाना तुम दबाओगे, 50 गाना तुम दबाओगे। तुम दबाते रहो और हम गाते रहेंगे। तुमको जितना तुमको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट मारना है, तुमको डिसलाइक करना है, या तुमको जो भी करना है तुम करो बेटा। जितना तुमको करना है तुम करो। हमारे को जो भी हो चुका है ना, जो हमने जो ठान लिया है, जो हमारे ऑडियंस ने ठाना है, हम लोग ठान चुके हैं अपने मन में। तुमको जो करना है करो। नीरज कुमार जी लिखते हैं कि वह भोसड़ी वाला पागल हो चुका है दोनों। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, ये जो हमारा जो गाना है आज रिलीज हुआ है, माँ शारदा एंटरटेनमेंट पे, बसहा गड़थैया नाचे। अब बताइए, क्या गड़थैया के लिए ये लोग हमको फ़ोन करके बोल रहा है गड़थैया तुम अश्लील गाए हो? बताइए, क्या गड़थैया नाच आज की नाच है? ये क्या गड़थैया नाच की जो परंपरा है, आज की परंपरा है? देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा, जो कि जो नन्ना मुन्ना बच्चा होता है, उसके भी दादा दादी बोलते हैं गड़थैया नाच कर। तो और गड़थैया नाच भगवान विष्णु करवाए हैं, भगवान शंकर को बचाने के लिए गड़थैया नाच इनको क्या बोलते हैं, भस्मासुर को करवाए हैं। तो ये भोंसड़ी वालों को क्या पता है? ये लोग तो पढ़ता तो है नहीं, साहित्य तो पढ़ता है रे मादर चो तुम लोग। और तुम लोग चल दिए हो, तुम लोग जैसे गाने को रिपोर्ट मारने के लिए, और किसी भी तरीके के गाने को कुछ भी हो जाए तो उसको तुम अश्लील तुम साबित करोगे। तो अश्लील साबित करोगे भोंसड़ी के औलाद, तो तुम इतना तुम जान जाओ कि तुम भोजपुरी को तुम बर्बाद कर रहे हो तेरी माँ की चोदो। गड़थैया शब्द अश्लील नहीं है, भोंसड़ी के औलाद तुम लोग जो चल दिए हो ना, कि जैसे ये किसी भी तरीके से करके भोजपुरी को बर्बाद करो, बर्बाद करो भोजपुरी को। तो तुम बेटा, तुम भोजपुरी को तो बर्बाद तुम कर रहे हो, लेकिन तुम भोजपुरी को बर्बाद तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि भोजपुरी को सुनने वाले 33 करोड़ लोग हैं, मगही को सुनने वाले 12 करोड़ लोग हैं। और जब तक ये लोग हैं, जब तक इन लोगों का आशीर्वाद भोजपुरी और मगही पे है, तुम साले तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बहुत होगा तुम रिपोर्ट मारोगे, ये करोगे, वो करोगे, व्यू कमा दोगे, लेकिन जो हमारे ऑडियंस के दिल में, जो हम लोगों के प्रति जो प्यार है, जो हमारे भगवान रूपी जो ऑडियंस हैं, जो हम सबों को जो अपने दिल में रखते हैं ना, उस दिल से तुम कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे बेटा। तो जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत तुम्हारे लिए बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा। जिस दिन अभी तो तुम हो ना बाहर में, ना हो अभी तुम बाहर में हो, अभी तो तुम घर द्वार छोड़ करके, पता नहीं तुम जैसे कौन सा तुम कांड तुम करके तुम भागे हो। चुतिया कहीं कि हमको तो पता चला है इन दोनों के बारे में कि ये अपना ही चचेरी बहन को लेकर के ये भाग गया है। ये दोनों जो मेरा जो नाजायज औलाद है, ये अपनी ही चचेरी बहन को लेकर के भाग गया है, समरवा और गौतम। और ये जो दोनों जो है, ये लोग का कुछ काम नहीं है, बस ये लोग का काम है कि किसी भी तरीके से कलाकारों को परेशान करो, कलाकारों को परेशान करके, और सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसका मानसिक प्रताड़ित करना है, और उससे कुछ नहीं, उससे क्या करना है, जो नए नए कलाकार हैं उसको एक तरीके से मेंटली टॉर्चर करना है, कि ताकि वो हमको अच्छा समझे, मेरे बारे में अच्छा कहे, हमारे चैनल को ये वो फलाना ढकाना जो इसका है।
और बाकी इसको भोजपुरी में अश्लीलता से अगर मतलब होता तो अब आप लोग बताइए कि क्या गड़थैया नाच के आज की पद्धति है क्या? क्या संतोष रेणु ईजाद किया है गड़थैया जो शब्द है वो? क्या संतोष रेणु पैदा किया इस शब्द को? हमारे बाप हमारे दादा परदादा और वेदों शास्त्रों में इस नाच की गड़थैया नाच की उल्लेख है। आज हमने ये कोई नया वर्ड लाए हैं? ये बहुत पुरानी शब्द है, बहुत पुरानी नाच की ये पद्धति है। हमने उसी पद्धति को गाया है कि गौरा के संगे उनकर सैया नाचे अब बसहा गड़थैया नाचे हो। तो हमने क्या गलत गा दिया भाई? वो जो कि उसको तुम फोन करके तुम बोलते हो कि जैसे गलत है, तुम अश्लील तुम गा रहे हो, तेरी माँ की चौदह अश्लीलता तुम बताओगे, मेरे भोसड़ी का औलाद अश्लीलता तुम हमें बताओगे, हमको नहीं पता है। हमारे जो राइटर जो लिखे हैं, जो गीतकार जो लिखे हैं, गीतकार जैसे अश्लील हो गए, वो जो संगीतकार हैं, जो कंपनी मालिक हैं, कंपनी मालिक को सेंस नहीं है, कंपनी मालिक जैसे इतना इतना खर्च करके गाना बनाते, अरे भोसड़ी का औलाद, मैंने जैसे जैसे तुमको रिपोर्ट मारने के लिए, अरे मादरचोद, हाँ जो अश्लील गाना है, जो गलत गाना है, उसका तुम विरोध करो ना, अश्लील गाने का विरोध करो, हम भी उसका साथ है। लेकिन भोसड़ी का औलाद तुम अच्छे अच्छे गाने को तुम जैसे तुम विरोध करोगे, अरे तेरी माँ की चोदो, अच्छा गाना का जैसे तुम विरोध करोगे तो फिर अच्छे गाना लोग क्यों गाएंगे? फिर खाली लोग अश्लील गाएंगे। और तुम कर रहे हो ना, तुमने विरोध किया है ना। चुन्नू हलवाई जी लिखते हैं, दोनों पगला गया, बिल्कुल। रवि कुमार जी, जियो से लव यू मगही किंग, भैया हम भी आपके इलाके के मगही किंग, बिल्कुल लव यू अभी। अभिलेख कुमार लिखते हैं, बेतिया बिल्कुल बिल्कुल अभिलेख जी। सूरज कुमार जी, विनोद लाल यादव जी, बिल्कुल ये लोग अत करके रख दिया है, ये लोग अत करके रख दिया है। ये लोग जो है, आप उस गीत को जैसे माँ शारदा एंटरटेनमेंट पे वो गाना है, आज ही रिलीज हुआ है सुबह 6:15 पे, आप देखिएगा इस गाना का व्यू जो है, मैंने इतना इस पे क्रश कर रहा है, इस गाने पे इतना क्रश कर रहा है कि मैंने हम क्या कहें। जबकि और उसके बाद फोन कि बेटा देख ले, व्यू देख ले, ये देख ले, वो देख ले, अरे भोसड़ी की औलाद बहुत होगा तो तुम व्यू, तुम साला दिन भर में 50 व्यू तक तुम जानो दोगे, ठीक है। हमको बेटा जो तुम फोन करके तुम बोल रहे हो ना कि व्यू देख ले, हमको व्यू का चिंता नहीं है। व्यू दिन भर में 100 व्यू भी जाएगा ना तो बेटा हमको मालूम है कि 100 जो व्यू जो गया है ना, हमारे जो श्रोता, जो भगवान रूपी जो श्रोता हैं, वो काफ़ी मेहनत किए हैं और तब 100 व्यू गया है। भोसड़ी के औलाद जो तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। हमको तुमको जो तुमको करना है ना, जितनी तुम्हारी पछवाड़ा में तुम्हारी औकात है, तुम लगा लो। हम इस तरह का गीत गाते रहेंगे और हम अपने ऑडियंस के लिए गाएंगे। भोसड़ी के औलाद तुम्हारे लिए और तुम्हारे डर से, संतोष रेणु तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे डर से गीत गाना बंद कर देंगे या इस टाइप के गीत गाना बंद कर देंगे। तुम्हारी जितनी पछवाड़ा और तुम्हारे खानदान में जितनी तुम्हारी औकात है ना, तुम रोक करके दिखाओ। दिन भर में 200 व्यू जाएगा ना बेटा, तैयो गाएंगे हम, क्योंकि मुझे पता है मादर चोद कि तुम जो हो ना, तुम सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए तुम आए हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टारगेट बस भोजपुरी को बर्बाद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो तुमको जितनी तुम्हारी औकात है उतनी औकात से तुम मार, तुम जितनी औकात है उतनी औकात से तुम मार दो रिपोर्ट, हमारा झांटिया भर फर्क नहीं पड़ता रहे तेरी माँ की चोदो, समझा? जितना तो औकात है तुम मार। लेकिन कोई भी इसमें जितने भी ऑडियंस हैं, आप लोग ये जो है, आप मैंने आप हमको बता दीजिए, अगर अश्लील अगर आप लोग को भी लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग हमको बताइए कहाँ अश्लील लगा वो गीत। आप उसको सुनिए और बताइए। शुरू से जो था, शुरू से कोई लोग इसको गलत नहीं बोला, लेकिन उसके बाद तड़ातड़ फ़ोन आना शुरू, और उसके बाद गाने का जो एकाएक जो था वो जैसे जो होता है एकदम दब गया वो चीज़, तो हमको समझ नहीं। फ़ोन करके भोसड़ी को ला, तुमको जो तुमको करना है तुम करना, तुम्हारी जितनी तुम्हारी पछवाड़ा में ताकत है तुम मार दो रिपोर्ट, जितनी तुम्हारी रिपोर्ट मारना है।
बेटा, लेकिन तुम जान जाना कि तुम भोजपुरी को तो बर्बाद कर रहे हो। इस साल मैं एक गाना में गया हूँ बोलबम का, और भी गाना जैसे टोटल 6 गाना रिकॉर्डेड है, लेकिन और मैं रिलीज ही मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं रिलीज करना है। बस सावन का एक गाना रिलीज करूँगा और फिर देवी गीत का भी 1-2 गाना रिलीज करूँगा, लेकिन जो रिलीज करूँगा एक क्वालिटी होगा, उसमें नए नए शब्द होंगे और अच्छे साहित्यिक शब्द होंगे। लेकिन इन मादर चोदों को बताइए, ये गड़थैया शब्द के लिए हमको फ़ोन करके बोलता है, एक बेटी के चोदो कि जे गड़थैया शब्द तुम्हारा अश्लील शब्द है, अरे तेरी माँ की चोदो, गड़थैया शब्द जा करके बहन चोद अपन दादा परदादा के बोलो साहित्य पढ़ने के लिए, भोंसड़ी का औलाद, शास्त्र में जा करके देखो कि गड़थैया शब्द का उपयोग है कि नहीं है, गड़थैया नाच की पद्धति थी कि नहीं थी। ये भोंसड़ी वाले, ये अमरेंद्र कुमार लिखते हैं, कौन रिपोर्ट मार रहा है भैया, बस आप समझ रहे होंगे कौन मार रहा है रिपोर्ट, आप समझ रहे होंगे कौन मार रहा है। आप फोन जो है फोन करता है कि ये देखते हैं कि जैसे तुम कैसे तुम गा पाते हो, कंपनी कितना पैसा लगा पाती है, अरे भोंसड़ी के औलाद तुमको बता देते हैं कि कंपनी कितना पैसा लगा पाती है, कंपनी को भी पता है कि तुम लोग जो कर रहे हो उसके बारे में कंपनी को भी पता है, तो ये तुम हमको तुम मत बोलो। और रही बात गाना गाने की या व्यू की, तो व्यू का हमको चिंता नहीं होता है, मुझे पता है कि जो मेरे जो भगवान रूपी जो ऑडियंस है ना, उनके दिल में मेरे लिए क्या जगह है वो हमको पता है, मेरे लिए जो जगह है वो हम जानते हैं। सुधीर कुमार लिखते हैं, आप ही सुधार सकते हैं भैया जी, लव यू। नीरज नीतीश कुमार यादव लिखते हैं, दोनों बहन और बेटी का अवतार खोज रहे हैं सुधवाने के लिए, बिल्कुल। ये जो है, ये लोग साला कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमको समझ में नहीं आता ये मादर चोदे चाहता क्या है। इसमें अगर आप गाना जाकर के सुनिए, अगर उस गाने में माँ शारदे एंटरटेनमेंट पे वो गाना है बसहा गड़थैया नाचे, गाना का टाइटल है बसहा गड़थैया नाचे, उस गाने में अगर उसका वीडियो अश्लील हो, इतना मेहनत करके वीडियो किया गया है, इतना उसका ज़बरदस्त उसका वीडियो में खर्च हुआ है पैसा, उसके बाद उसके लिरिक्स में आप जा करके देखिए, आप कहीं से भी अगर आपको लग जाए कि अगर वो गाना अश्लील है, अगर आपको लग जाए कि गाना, हृदय से पूछिएगा, अगर वो गाना अश्लील लगे तो आप उस हमको बोलिएगा, आप लोग हमको बोलिए, उस गाने को हम प्राइवेट करवा देंगे अगर अश्लील होगा तो, और अगर नहीं अश्लील है तो फिर आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है, उस गाने को इतना शेयर कीजिए, इतना स्टेटस में लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, कि उन भोसड़ी वालों को भी पता चल जाए कि क्या अश्लील होता है और क्या सही होता है। अगर अश्लील है तो फिर मत लगाइएगा, अश्लील है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हमको फ़ोन करके बोलिए, हम उस गाने को उतरवा देंगे, प्राइवेट करवा देंगे। लेकिन ये मादर चोद जो करवा रहा है, ये भोसड़ी का औलाद, ये बहुत गलत करवा रहा है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले ऐसा नहीं था, ये लोग, ये दोनों मादर चोद जब से आया है तब से ये भोजपुरी को बिल्कुल तहस नहस करके रखे हुए हैं, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने पेज को फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। और अब तो देख रहे हैं कि चैनल भी खोला है ये लोग, तो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए और पैसा कमाने के लिए ये लोग सिर्फ ऐसा काम कर रहा है। लेकिन करो बेटा, तुमको जो तुमको करना है तुम करो, लेकिन मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव है बेटा, तुम जान जाना तुम्हारा बाप हैं, ओरिजिनल हम, समझा, तुम मेरा नजायज़ औलाद हो और तुम्हारा ओरिजिनल हम बाप हैं, तुम जान जाना कि तुम्हारा बाप इतना भी कमज़ोर नहीं है, और तुम्हारी जितनी तुम्हारी पछवाड़ा में ताकत लगानी हो, पूरे खानदान की ताकत लगानी हो तो लगवा लो, पूरे ग्रुप से लगवा लो, जिससे तुमको लगवाना है। मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, ओरिजिनल बाप हूँ, और ऐसा गाना मैं गाता रहूँगा। और तुरंत इसके तुरंत बाद अहिरा के लड़का ठोक दी, तुम कह रहे हो ना अश्लील, अब देख बेटा कैसा कैसा गीत आता है। अहिरा के लड़का ठोक दी का ज़बरदस्त वीडियो लाने जा रहे हैं, ज़बरदस्त वीडियो लाने जा रहे हैं, और आप लोग हमको बताइए कि क्या ये गाना का बोल है बसहा गड़थैया नाचे, अरविंद जी गाना का बोल है बसहा गड़थैया नाचे, माँ शारदे इंटरटेनमेंट से ये गाना रिलीज है। तो ये लोग जो कर रहा है, ये लोग
कहीं ना कहीं ये अश्लीलता का विरोध अगर करता हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये अच्छे गाने का विरोध कर रहा है, ये लोग चैलेंज कर रहा है, और ये लोग कहीं ना कहीं भोजपुरी में चुन लिया है ये लोग कि इसको इसको हमको टारगेट करना है, और उसके बाद उस उन लोगों को झुका कर रखना है, भोजपुरी के कलाकारों को झुका कर रखना है। तो सुन रे मादरचोद, भोजपुरी के कलाकार तुम्हारे से नहीं है, भोजपुरी के कलाकार, भोजपुरी के जो ऑडियंस है भगवान रूपी, ये उन ऑडियंस से हैं। हम लोग, हमारे भगवान हमारे ऑडियंस हैं, और हम लोग अपने ऑडियंस पर भरोसा करते हैं, हम लोग अपने ऑडियंस पर गर्व करते हैं, और हम लोग के ऑडियंस जो कह देंगे हम लोग वो करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं इस टाइप का गाना नहीं गाइए, हम लोग नहीं गाते हैं। वो अगर बोलते हैं कि नहीं ठीक है गाइए, तो हम लोग गाते हैं। जैसे परसों दिन की बात है, परसों हमारे पास एक फ़ोन आया, कश्मीर से फ़ोन आया, वो आर्मी में हैं, उनका नाम है राहुल सिंह। उन्होंने फ़ोन करके हमको बोला कि रेणु जी मैं आपका, मैं बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ। मैंने कहा कि नहीं, जैसा कि हम सच्चाई बात है, हम सब लोग को बोलते हैं कि नहीं हमारे फ़ैन कोई नहीं, सब भाई हैं, चाहे तो बड़े भाई हैं चाहे छोटे भाई हैं, आप सब गार्जियन स्वरूप हैं, फ़ैन किस बात का। उन्होंने कहा कि रेणु जी वो जो लड़का जो है वो दोनों गलत कर रहा है, क्योंकि जिस गाने को वो अश्लील बोल रहा है, हम लोग, आप यकीन मानिए, हम लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, हम लोग का एंटरटेनमेंट का एकमात्र साधन होता है यूट्यूब, और वो गाना होता है, और वो जिसको अश्लील बोल रहा है वो अश्लील नहीं होता है, वो इंटरटेनिंग होता है। हाँ, कुछ गाने हैं जो कि गलत हैं, उसमें सुधार करनी चाहिए, लेकिन जितना वो लोग बोल रहा है उतना नहीं है, मात्र 5% गाने को सुधारने की ज़रूरत है, बाकी गाना जो है सही है। तो ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आता है, टीचर हैं, टीचर लोगों का कॉल आता है, जो सिपाही में जो हैं जवान हैं उनका कॉल आता है, तो हम लोग के पास भी कॉल आता है, और हम लोग उस कॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने ऑडियंस जो हमारे जो भगवान हैं उन दोनों, जैसे अपने जो हमारे जो भगवान हैं उनकी बातों को ख्याल में रखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए गीत संगीत हम लोग गाते हैं। ये दोनों जो मादरचोद जो है, ये लोग सोचता है कि हम भोजपुरी का जैसे तारनहार बन जाएंगे, तेरी माँ की चोद, तो ही जैसे भोजपुरी के जैसे सुधारने वाला बना रहे भोंसड़ी का औलाद। भोजपुरी को सुधारने के लिए हमारे भोजपुरी के बहुत सारे गायक हैं, गीतकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, और उनसे भी ऊपर, सबसे ऊपर भोजपुरी के हमारे भगवान रूप श्रोता हैं। ये लोग जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे कहने पर तेरी माँ की चोदो कुछ नहीं करेंगे हम। बस स्पष्ट चीज़ तुम, यही तुम बोल रहे हो ना फ़ोन करके, हमको बार बार हमको फ़ोन आ रहा है, फ़ोन करके बोल रहा है कि बेटा हम, मैंने हमको बोल रहा है कि बेटा देखो ना गाना का व्यू कितना गया। तो गाना के व्यू से हम नहीं, जैसे हम नहीं डरते हैं रे, गाना का व्यू अगर दिन भर में अगर 50 को जाएगा ना तेरी माँ की चोदो, तैयू हम बहुत खुश रहेंगे कि चलो कम से कम 50 लोग सुने, और 50 लोग वैसे सुने हैं जो इन दोनों से नहीं डरते हैं, जो रियल में मुझसे प्यार करते हैं और भोजपुरी से प्यार करते हैं। आप जाकर के सुनिएगा, अगर आपको अश्लील लगे, माँ शारदे इंटरटेनमेंट पे वो गाना है बसहा गढ़थैया नाचे, इस साल का मेरा पहला एल्बम है, इस साल का सावन का पहला एल्बम मेरा है, आप जाकर के सुनिए। अगर आपको भी अश्लील लगे तो प्लीज़ हमको बोलिएगा, हम गाने को प्राइवेट कर देंगे, और अगर अश्लील नहीं लगे तो फिर उसको ज़ोरदार जवाब दीजिए, इस गाने को स्टेटस में लगाइए, इस गाने को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने पेज पे शेयर कीजिए, और ज़ोरदार उसको जवाब मिलना चाहिए, उसको ये जवाब मिलना चाहिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। ये लोग बस, ये कुछ नहीं, ये लोग का है। राहुल कुमार यादव जी बहुत अच्छा सॉन्ग है, लव यू आपको। पांडे कुंदन जी, मैं सभी गाना आपका सुन रहा हूँ रेणु यादव जी, थैंक्स, बहुत अच्छा, लव यू आप सब बिल्कुल, आप सब सुने। छोटू कुमार जी लिखते हैं 50 को नहीं 50 लाख सुनने वाला है, लव यू आपको। बस यही चीज़ हम कर रहे हैं कि ये लोग हमको फ़ोन करके हमको चिढ़ा रहा है क्या, कि जैसे देखो जे कितना व्यू गया जे देखो। तो हम तो बस एक दिन भर में 50 व्यू भी जाएगा हम उससे भी खुश हैं। अगर हमारे जो भगवान रूपी जो श्रोता हैं, अगर उनको लगता है कि 50 व्यू लाइक हैं तो 50 व्यू लाइक हम रहेंगे। अरे हमारे जैसे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं, जो भी हैं, हमारे लिए
परम पिता परमेश्वर की तरह हमारे ऑडियंस हैं, और उनको जो उनको उनकी जो भी आदेश होगी मैं उसका पालन मैं करूँगा। और ये दोनों भोसड़ी वाले, ये दोनों जो जो चाह रहा है, बेटा तुम दोनों को मैं आखिरी बार में फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, और नहीं तो सुधार तो देंगे बेटा, तुमको सुधार देंगे। तुम जो कर रहे हो, तुम टारगेट तुम कर रहे हो भोजपुरी के कलाकारों को, मैं टारगेट करके उसको रिपोर्ट मारो, ये करो वो करो, उससे उसको डरा दो, उसका व्यू कम करो। कुछ कलाकारों को तुम टारगेट कर रहे हो कि उसको उसके गाना पे भरपूर रिपोर्ट मारो ताकि कंपनी उससे गाना नहीं गवाए। तो तुम दोनों मादर चोदों से मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं ऐसा करके तुम भोजपुरी को तुम बर्बाद कर रहे हो, और इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। बेटा अभी तुम बिहार से बाहर हो, जिस दिन तुम बिहार में तुम एंट्री मारोगे और मेरे सामने अगर आ गए, तो फिर उसका उस दिन क्या हालत होगा तुम्हारा, वो दिन तुम जानोगे। बस मैं बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ। आकाश कुमार जी कैसे हो भाई? ये संतोष भाई मजे लो। नहीं हम क्या करें, ये लोग जो है हमको, मैंने बताइए ठीक है तुमको रिपोर्ट मारना है जो करना है करो, हमको फ़ोन करके तुम क्यों बोलते हो यार? फ़ोन करके हमको बोल रहा है कि जरा गाना का जरा देख लो, जरा व्यू देख लो। उसके बाद बोलता है कि जैसे गड़थैया नाच जो है ये अश्लील है। अरे तेरी माँ की चोदो, तुमको अश्लील लगे तो तुम अश्लीलपन तो अपने तो घर में रखना, अपने अश्लीलपन को तो अपने घर में रख। या जैसे व्यू नहीं जा रहा है मेरे गाना का, तो व्यू नहीं जा रहा तो तुमसे हम कह रहे हैं कि व्यू दे दो तेरी माँ की चोदो, और रिपोर्ट मार ना तुमको जितनी तुमको औकात है पछवाड़ा में तुम रिपोर्ट तो मार। लेकिन ये लोग सोच रहा है, ये लोग बस एक ही चीज़ सोच रहा है कि किसी भी तरीके से संतोष रेणु को तोड़ दे। जैसे रितेश पांडे आकर के जैसे लाइव में जैसे बोल दिया, लाभी जैसे माफ़ी मांगा, राकेश मिश्रा भी माफ़ी मांगे थे, या और भी लोग, तो अब ये सोच रहा है ना कि किसी भी तरीके से संतोष रेणु को तोड़ दे, संतोष रेणु से माफ़ी मंगवा ले। तेरी माँ की चोदो तोरे से मांगे बहन चोद, संतोष रेणु माफ़ी रे तेरी माँ की चोदो, संतोष रेणु तोरे से माफ़ी मांगती रे बहन चोद। संतोष रेणु को माफ़ी मांगना होगा और चरण धो करके भी पीना होगा, तो अपने ऑडियंस का चरण धो करके पी लेंगे हम, अपने जो मेरे भगवान रूपी श्रोता हैं, इनसे जो आरजू विनती करना होता है मैं इनसे मैं कर लेता हूँ। ये मुझे बनाए हैं और मुझे बिगाड़ने का भी पावर इन्हीं के पास है। तुम रे भोंसड़ी का औलाद, तुम दोनों क्या कर सकते हो रे? तेरी माँ की चोदो, तुम दोनों रिपोर्टें ना मार सकते हो तेरी माँ की चोदो। जितना मारना है मारो, बाकी हमारे ऑडियंस हैं, हमारे ऑडियंस को जो मंजूर होगा, हमारे भगवान रूप श्रोता को जो मंजूर होगा, वो हमें भी मंजूर होगा। जो उनका आदेश होगा उनके आदेश का हम पालन करेंगे। आप सब जैसे रखिएगा, आप सब अपना स्नेह रखिएगा, और ज़रा देखिए अगर आपको लगे कि हाँ वो गाना अश्लील है तो मैं उसको प्राइवेट में कर दूंगा। मैं आप सबसे मैं बाहर नहीं हूँ, मैं अपने ऑडियंस से मैं बाहर नहीं हूँ, मैं आप सब के छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। लेकिन ये दोनों मादर जो तंग कर रहा है, आप सब प्लीज़ देख लीजिए। कोटि कोटि प्रणाम आप सबको, और अगर जिनका कमेंट नहीं पढ़े होंगे तो माफ़ कीजिएगा, चूँकि लगातार ये जैसे मैंने बहुत सारा कमेंट आ रहा है, अगर जिनका नहीं भी पढ़े होंगे तो माफ़ कीजिएगा। माइकल मुकेश राजा क्या हुआ भैया, आप तो देख ही रहे हैं क्या हुआ, क्या हम कहें, आप तो देख ही रहे हैं सब सारा चीज़। तो ये लोग बस जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है, आप लोग देख लीजिए बस, हम और क्या बोलें। लव यू आप सबको, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, और आप सब प्लीज़ भाई पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम आपका भाई, आपका भाई संतोष यादव।